आप हेयर पैच, हेयर विग या फिर नॉन सर्जिकल हेयर पीसेस यूज करते हो तो गर्मियों में आपको बहुत प्रॉब्लम आती होगी। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो है खुजली की, दूसरी प्रॉब्लम है पसीने की, तीसरी प्रॉब्लम है बदबू की और चौथी प्रॉब्लम जो है वो है फंगस की, फंगस इन्फेक्शन की। तो इसके अलावा भी कुछ प्रॉब्लम्स और आती रहती है, टेप जो है वो कम चिपकती है, बार बार आपको बदलनी पड़ती है, सर्विस जो सर्दियों में 25-30 दिन बाद करनी पड़ती है, वहीं गर्मियों में 15 दिन बाद या 10 दिन बाद, कई लोगों को तो 7 दिन बाद ही करनी पड़ती है। इनसे कैसे बच सकते हैं, इनको हम कैसे दूर कर सकते हैं, गर्मियों में हेयर पैच को हम ज़्यादा कैसे सर्वाइव कर सकते हैं, इसके अलावा पैच लगाने के बाद हमें कोई प्रॉब्लम ना हो गर्मियों में, और हम ज़्यादा अच्छे कैसे दिख सकते हैं, आज की वीडियो में यही हम डिस्कस करने वाले हैं। सिंपल भाषा में आपको हम समझाने वाले हैं, बिना किसी देरी की वीडियो शुरू कर लेते हैं। तो मैं हूं डॉक्टर राजेश, आपको बताया कि हमारे सेंटर पे हेयर ट्रांसप्लांट के अलावा नॉन सर्जिकल हेयर रिप्लेसमेंट ट्रीटमेंट भी प्रोवाइड किया जाता है, यानी कि सर्जिकल प्लस नॉन सर्जिकल दोनों तरह के ट्रीटमेंट्स हम प्रोवाइड करते हैं। तो हमने ऐसे तो मार्केट में इस तरह के पैचेस आ गए हैं, इस तरह के हेयर विग हेयर पैचेस आ गए हैं जिससे गर्मियों में प्रॉब्लम नहीं होती, जो हाइजीनिक होते हैं, जो पसीने आपको पसीने से दिक्कत नहीं होती, इचिंग नहीं होती और इसके अलावा फंगल इन्फेक्शन नहीं होता, बहुत ज़्यादा हाइजीनिक पैचेस के बारे में हमने बताया। फुल लेस हेयर पैच है, Q6 है, जर्मन है, इसके अलावा भी और बहुत से पैचेस हैं, लेकिन बहुत सारे लोग वो पैचेस अफोर्ड नहीं कर पाते क्योंकि एक तो उनकी लाइफ कम होती है, दूसरी उनकी मेंटेनेंस ज़्यादा होती है, तीसरी उनकी कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा होती है। तो सारे लोग जो होते हैं वो पैचेस अफोर्ड नहीं कर पाते, तो ये वीडियो उन लोगों के लिए स्पेशली है जो मोनोफिलामेंट ज़्यादा यूज़ करते हैं। मोनोफिलामेंट हेयर पैच हेयर पीस जो यूज़ करते हो उनमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स जो आती है वो मैंने बताई दी। अब है हम इससे बच कैसे सकते हैं। सबसे पहले अगर गर्मियों में आपको बहुत ज़्यादा पसीना आता है तो आपने क्या करना है दोस्तों, जब भी आप सर्विस करवाओ, सर्विस करवाने से जस्ट पहले एक रात पहले कोशिश कीजिए पैच को घर पे ही उतार दीजिए। तो अगर आप घर पे उतारोगे, घर पे उतारने के बाद आपने ऑयल की अच्छी तरह से मसाज करनी है। सुबह आपने क्या करना है, अपने स्कैल्प पे बर्फ़ की मसाज करनी है। बर्फ़ की मसाज करने से जो आपके सीबीएसएस ग्लैंड होते हैं जिससे पसीना निकलता है वो थोड़े से डीएक्टिवेट हो जाते हैं, वहाँ से पसीना थोड़ा कम आता है, तो इससे पसीना आपका कम आएगा। ज़्यादा मिर्च मसाले वाले जो प्रोडक्ट होते हैं उनका सेवन ज़्यादा करने से पसीना ज़्यादा आता है। तो गर्मियों में आप स्पाइसी फूड, गर्म खाना, ज़्यादा मिर्च मसाले वाला खाना बिल्कुल सेवन ना करें, खाने को ठंडा करके खाएं और मिर्च मसाले बिल्कुल लाइट खाएं, इससे आपसे पसीना कम आएगा। तो ये जो कंडीशन है इससे पसीना कम आएगा तो आपके पसीने की प्रॉब्लम्स भी कम आएगी। अब मोनोफिलामेंट में भी दो तीन क्वालिटी आती है, कोशिश ये करें जिस जो आपका पैच आप सेलेक्ट करें उसका जो बेस है वो थिन हो, पतला हो, जितना पतला बेस होगा ऊपर से खुजली करने में आपको उतनी जो है सुविधा होगी। खुजली ऊपर से भी की जा सकती है, अगर आप पैच यूज़ करते हो तो ऊपर से आप उंगलियों से नाखून से कर सकते हो, लेकिन वो एक लिमिटेड एरिया के लिए होते हैं लिमिटेड। अब आप अगर टेप यूज़ करते हो तो मैं आपको बोलूँगा गर्मियों में आप ग्लू का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि ग्लू का इस्तेमाल करने से वहाँ पे इचिंग बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और इसी के कारण वहाँ पे फंगल इन्फेक्शन पैदा होती है। ऐसी ऐसी टेप मार्केट में आती है, जैसे सिलिकॉन टेप है और इसके अलावा जो अल्ट्रा होल्ड की टेप है और इस तरह की पतली टेप आती है जो बहुत ही थिन होती है, उससे उसको लगाने से एक तो आपकी स्किन और पैच के बीच के स्पेस कम हो जाएगा, ठीक है, और जो है आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो, ऊपर से खुजली भी कर पाओगे। दूसरा, ग्लू ना होने के कारण पानी एकदम, वो टेप वाटरप्रूफ होती है, जाली से पानी अंदर जाएगा और स्कैल्प से बाहर निकलेगा, जब पानी बाहर निकलेगा तो स्कैल्प की सफाई होगी तो फंगस इन्फेक्शन वहाँ पे नहीं पनपेगा, ज़्यादा खुजली भी वहाँ पे नहीं होगी। उसके बाद दोस्तों आते हैं, अगर आप बालों में हेयर वैक्स लगाते हो तो मैं ये कहता हूँ कि पैच लगाने के बाद हेयर वैक्स का यूज़ नहीं करना चाहिए, नॉर्मली सीरम लेके अपने बालों में लगा लेना चाहिए और बार बार कंघी नहीं करें। बार बार कंघी करने से दोस्तों हमारी जो टेप है वो ढीली हो जाती है, जो गर्मियों में प्रॉब्लम आती है ना कि टेप कम चलती है, तो बार बार कंघी करने से, बार बार हाथ पैच में लगाने से एक तो बार आपकी वहाँ पे जो टेप है उसकी जगह हिलती है, पैच की जगह हिलती है तो टेप लूज हो जाती है, जल्दी रिमूव हो जाती है। बार दिन में एक या दो ही बार कंघी करें बस, इसके अलावा कंघी ना करें, हाथों से ही अपने बालों को सेट करें। बार बार कईयों की आदत होती है बालों को हाथ डालने की बार बार, तो ये काम बिल्कुल भी ना करें। और जिस दिन सर्विस हुई है उसके दो घंटे तक, सर्विस के दो घंटे तक तो बालों को टच ही ना करें, भूल जाएं कि आपके सिर पे बाल है। तो इस केयर को अपनाने से आपकी टेप लंबे समय तक चलेगी और आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। बस दोस्तों रोज़ाना शैम्पू या रोज़ाना कंडीशनर ना करें। हालांकि गर्मियों में दिन में दो तीन बार नहाना होता है
तो नहाइए कितनी मर्जी बार, लेकिन बाल सिर्फ एक ही बार गीले कीजिए। मान लो गर्मियों में आप 2 या 3 बार नहा रहे हो, सुबह दोपहर और रात को, तो सिर्फ या तो सुबह या फिर दोपहर में बालों को गीला करना है। और हफ्ते में सिर्फ 2 ही बार आप शैम्पू करें और 2 ही बार कंडीशनर लगाएं। अगर आप वैक्स नहीं लगाते हो, हेयर वैक्स का यूज़ नहीं करते हो, तो बार बार आपको शैम्पू करने की जरूरत नहीं होती। तो मेरी ये एडवाइस है, क्योंकि मैं पेशेंट को जब ये देता हूँ तो इससे अच्छे रिजल्ट्स आएंगे इस केयर से। इसका फ़ायदा ये होगा कि आप बाल जो हैं आपके लंबे समय तक चलेंगे, पैच लंबे समय तक चलेगा, स्कैल्प में पानी कम जाएगा, तो वहाँ पे आपको जो है इचिंग कम होगी, वहाँ पे आपको गीलापन कम रहेगा, फंगस इन्फेक्शन कम होगा, खुजली कम आएगी, बदबू भी कम आएगी। तो अब मैं बताता हूँ सिंपल आपने वॉश कैसे करना है। सिंपल मान खड़े हो, शावर ले लो, बालों को सिंपल गीला कर लो, ठीक है। उसके बाद मोटे कॉम से आप वॉश करके, मोटे कॉम से आप कंघी करके सीरम लगा लो, बाल सुलझ जाएंगे आपके, ठीक है। अगर आप शैम्पू करते हो तो बाल उलझते हैं, पैच वाले बालों में शैम्पू करने से बाल उलझते हैं। शैम्पू करने के बाद फिर कंडीशनर करना पड़ता है, कंडीशनर करने के बाद आपके बाल जो है शैम्पू से टूटेंगे, कुछ कंडीशनर से टूटेंगे, उसके बाद कुछ कंघी करो तब टूटेंगे, तो पैच की लाइफ भी कम हो जाएगी। और बार बार आप शैम्पू करोगे तो शैम्पू स्कैल्प के अंदर जाएगा, तो जब पैच टेप जो होती है, टेप की जो पकड़ होती है वो कम हो जाती है। तो यही कारण है गर्मियों में जो होता है आपको बार बार शैम्पू नहीं करना होता। सर्दियों में भी 1-2 बार करें, गर्मियों में भी 1-2 बार करें। सिंपल पानी से वॉश भी कर लोगे तो आप अपने आप को रिफ्रेश फील करोगे, ठीक है। इस केयर से आप ये जो 4-5 केयर की है एक बार आजमा के देखना। इन केयर के बाद आपकी पैच की ना केवल लाइफ बढ़ जाएगी, ना केवल शाइनिंग बढ़ जाएगी, ना केवल आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, बल्कि इचिंग, स्वेलिंग स्वेलिंग और फंगस इन्फेक्शन और बदबू की पसीने की प्रॉब्लम भी बहुत कम हो जाएगी। इसके अलावा भी कोई प्रॉब्लम रहती है तो मुझे कमेंट करके बता सकते हो, नेक्स्ट वीडियो में मैं उसे दूर करने की टिप्स जरूर दूंगा। मैं डॉक्टर राजेश मिलूंगा नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें, वीडियो अच्छी नहीं भी लगी तो डिसलाइक कर दें, करें जरूर, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस तरह की वीडियो तभी आप तक मिल पाएगी। मैं डॉक्टर राजेश लेता हूँ विदा, मिलूंगा नई वीडियो में। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।